एनआई न्यूज़ के स्वागत है, नानु अमीन शेख। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहु। मैं अलहज सैयद इम्तियाज कादरी वल्लद सैयद महबूब कादरी मुशरफ मुतवली असार शरीफ ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद पेश करता हूँ सभी हजरात को। कल बरोज बुधवार 27 सितंबर 2023 को असार शरीफ का फौरन असर नमाज के बाद चाबी खोली जाएगी और मैं मेरे भाई जान, मेरे चाचा जान, मेरे मामू जान और मुस्लिम परिवार की तरफ से संदल मनाया जाएगा। फौरन मगरिब के नमाज के बाद मैं सभी हजरात को ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद पेश करता हूँ हिंदू मुस्लिम सभी को, और सभी हजरात से गुजारिश करता हूँ कि संदल में तशरीफ फरमा कर सवाब हासिल करें। मैं और एक बार सभी हजरात को ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम, ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। कल शाम में जो है असार में जो है संदल चला जाएगा, आप सभी हजरत से जो है संदल में शिरकत फरमाने की दावत देता हूँ मुस्लिम परिवार और ताबीलदार मुतवली परिवार की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम लोगों से मैं मुखातिब हूँ कि आसार शरीफ के मुतल्लिक कुछ बयान करना चाहता हूँ, जो हकीकत है वो बयान करना चाहता हूँ। सूरह फतह की आयत नंबर 10 से शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक जो आपसे बैत कर रहे हो अल्लाह से बैत करें उनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है, बैत को जो भी तोड़ेगा इसका उबाल इसकी जान पर होगा, जो भी अल्लाह से किए हुए हद को पूरा करेगा तो अल्लाह ताला उसको अजर अजीम देगा। हमारे आसार महल में जो उसी अवल आनंद महल के अंदर ये मुही मुबारक थे हज़रत मीर सालिया हमदानी रहमतुल्लाह अलैह 1005 हिजरी के अंदर लेकर आए। उस वक्त अली दिलशाह इब्राहिम अली दिलशाह की हुकूमत थी, उसके बाद मोहम्मद अली दिलशाह तक चला, उसके बाद में सालाना 78,000 हन यानी सोने के हन खर्च किए जाते थे। और कुछ बुजुर्गान दिन जो है ये मुई मुबारक देखना चाहिए, हज़रत सैयद मुर्तजा कादरी हज़रत हाशिम पीर रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना हबीबुल्लाह अलैह तो नहीं देख सके। मुई मुबारक जो है एक रोशनी यानी नूर निकल कर आया तो नूर देखकर गश खा के गिर गया। जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नूर नहीं देख सकी उस तरह वो चले गए गिर गए। उसके बाद में मुई मुबारक वापस जो लेकर आया गया दरूद शरीफ, तमाम बीजापुर शहर में दरूद शरीफ पढ़ा गया। उस वक्त से जो वापस है मुई मुबारक आज तक खोला नहीं गया। तमाम बीजापुर के और तमाम जहाँ के लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ। यहीं से ही एक मुई मुबारक कश्मीर शहर के कश्मीर में ले गया जहाँ पे हज़रत बल दरगाह है, आज भी वहाँ हमारे ख़ानदान के लोग रहते हैं। हज़रत मीर मोहम्मद सालिया हमदानी रहमतुल्लाह अलैह ने मेरे आबा अजदा ने मेरे जो दादा हज़रत सैयद नूर मोहम्मद शाह कादरी के हाथ में ये मुंतजिम यानी तमाम मुई मुबारक उनके हाथ में दिया गया, उस उन्हीं का इंतज़ाम था और अली अदिल शाह भी उन्हीं के हाथ में मुँह मुबारक दिया, तो उस वक्त से आज तक चलता हुआ आया सिलसिला। 1005 हिजरी में मुई मुबारक आए, तकरीबन 450 साल से इसका सिलसिला चलता हुआ है। इसकी तारीख है ये मुमलिकत बीजापुर, तारीख मुमलिकत बीजापुर के अंदर इसका यह नस्ब है। ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद देता हूँ। मेरा नाम सैयद मूसा कादरी मुशरिफ है। विजापुर नगर दल्ली असार महर दल्ली 315 ವರ್ಷದಿಂದ ಮುಶ್ರಿಫ್ ಕುಟುಂಬದವರು ಆ ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಇವರ ಮುಯೆ ಮುಬಾರಕ್ ಇವರ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಗನ್ನವನ್ನು ಏರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಲ ದಿನಾಂಕ 27/9/2023 ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಅಸಾರ್ ಮಹಲದ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಮುಶ್ರಿಫ್ ಕುಟುಂಬದವರು ತೆಗೆದು ಆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ದರ್ಶನವನ್ನು ಬಿಜಾಪುರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಈ 27/9/2023 ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ 28/9/2023 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಈ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಬೀಗವನ್ನು ಓಪನ್ ಇರುತ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದು ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಈದ್ ಮಿಲಾದುನ್ನಬಿ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ.
अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं मोहसिन अहमद शेख FM एक्सप्रेस, FM न्यूज़ और FM चैनल के तरफ से तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और तमाम हिंदुस्तान वासियों को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि रबील अव्वल हमारे आका प्यारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम उम्मत को मुबारकबाद देता हूँ और साथ ही साथ दावत देता हूँ कि असार शरीफ में कल 27 तारीख को बादे मगरिब को संदल चढ़ाया जाएगा। तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई आप वहाँ पे आके शिरकत फरमाइए और सवाब जारी अता फरमाइए और ढेर सारे दरुश कश के उनके बारगाह में पेश करके अपनी बख्शीश के लिए अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। और तमाम हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई और तमाम हिंदुस्तान भाइयों से मैं गुजारिश करता हूँ कि ढेर सारी दुआएं करके हिंदुस्तान को हमारे अमन और शांति के साथ रहने के लिए दुआ करने के लिए। और तमाम हमारे हिंदुस्तान भाइयों से ये भी गुजारिश करता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान आगे बढ़े, हमेशा बढ़ते चले और हमेशा एक नंबर पे, अव्वल नंबर पे रहे। नमस्कार, कर्नाटक A9 न्यूज़ के स्वागत। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ತೇಜಸ್ವಿನಿ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ಕೆಳಗಿನ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.